तो ये देखिए आज हमने बनाई है मिक्स फ्रूट जैम रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएं और इसे बनाने में किन किन चीजों की जरूरत है। तो इसे बनाने के लिए हमने लिए है संतरा, जिसका हमने छिलका उतार लिया है और हमने इसके रेशे को हटा दिया है। और हमने लिया है कटा हुआ सेब, और हमने लिया है कटे हुए अमरूद, हमने लिए है केले, और हमने लिया है अनार। आप इस रेसिपी में कोई भी फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। ये बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया एक मिक्सर जार। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ सेब। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और अब हम इसका लिड लगा देंगे और हम इसे फाइन पेस्ट बनने तक ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। हम उसी ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे संतरा, और हम इसका भी फाइन पेस्ट बनने तक इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे भी ग्राइंड कर लिया है। हम इसे भी उसी बाउल में निकाल लेंगे। हम उसी जार में ऐड करेंगे अमरूद, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और हम इसका भी फाइन पेस्ट बनने तक इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए इसका भी फाइन पेस्ट बन चुका है। हम इसे भी उसी बाउल में निकाल लेंगे, और अब हम उसी जार में ऐड करेंगे केला, और हम इसमें ऐड करेंगे अनार, और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। हम इसका भी फाइन पेस्ट बनने तक इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इसका भी फाइन पेस्ट बन चुका है। हम इसे भी उसी बाउल में निकाल लेंगे। अब हमने लिया एक कढ़ाई, और हमने लिया एक स्ट्रेनर। अब हमने जो भी फ्रूट को ग्राइंड करा था हम इस स्ट्रेनर में डाल देंगे, और हम इसे छानते जाएंगे। इससे क्या होगा, जो भी फ्रूट्स में रेशे रहते हैं वो सभी निकल जाएंगे। तो ये देखिए हमने सभी ग्राइंड करे हुए फ्रूट्स को अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज रेड फूड कलर, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। हम इसमें 2 कप चीनी ऐड कर रहे हैं, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर ली है, और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक पकने देंगे जब तक ये जैम की कंसिस्टेंसी पर नहीं आता, और हमें जैम को चलाते रहना है। इसे हमें ढककर पकाना है ताकि इसके छींटे नहीं पड़ सके। तो ये देखिए जैम की कंसिस्टेंसी पर आ चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा एक प्लेट में निकाल लेंगे, और हम इसे थोड़ा सा ऐसे करके देखेंगे। तो ये देखिए हल्का ही हल्का गिर रहा है, बस हमें इसे इतना ही पकाना है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे, और हम इसे ठंडा होने देंगे। ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए मिक्स फ्रूट जैम रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ही इजी रेसिपी है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।